गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौरात्विशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रिय उदयपुर कोवे के भक्तवृंद और अन्य भक्त जो भी जहाँ से इस प्रातःकाल के गौर लीला के श्रवण उत्सव में उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जिसको श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं वो राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, ये हमारा पहला सूत्र है। चैतन्य चैतन्यमित कहने से पहले एक दो श्लोकों का एक श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, आप भी पीछे कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य हाँ जयो जयो श्री चैतन्ना जयो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्ना जयो नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इस श्लोक से हम अपना जो है श्री चैतन्य चैतन्यमृत का शुभ आरंभ करते हैं विशेष रूप से। पहले हम ये सूत्र याद रखेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये एक सूत्र है, उसके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए कि जो श्री कृष्ण चैतन्य है वही राधा कृष्ण है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो नंद नंदन श्री कृष्ण यशोदा के घर में नंद बाबा के घर में ब्रज में प्रकट हुए थे वही श्री कृष्ण नवदीप में सची माता के सची नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, इसको कल हम यहाँ सायंकाल को मंदिर में सत्संग कर रहे थे तो उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण क्या हैं। बाह्य क्या कारण का मतलब दूसरे मानव मात्र के कल्याण के लिए जो उनका अवतार है उसमें मुख्य कारण क्या है। बाह्य का मतलब दूसरों के लिए, उसकी शुरुआत ऐसे होती है
कि जो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ब्रह्मा जी के एक दिन के सातवें मनवंतर विवस्वत मनु के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में जब आए थे अंतिम चरण में संध्या अंश में जब आए थे तो वो अपने संग में नंद बाबा यशोदा आदि बड़े गोप श्रीधामा सुधामा मधु मधुमंगल आदि सखा ललिता विशाखा राजा रानी अन्य गोपियों का प्रेमीगण और अपने रक्तक पत्रक आदि सेवकों को साथ लाए थे और उनके संग में ब्रज में वात्सल्य रस दास्य रस सखा रस और मधुर्य रस का स्वयं रस आस्वादन किया और इसी का सबको निमंत्रण दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम के ऊपर अपनी शिक्षाएं देकर वापस अपने गोलोक धाम चले गए। वहां उन्होंने सोचा कि मैं उनको ये भक्ति दिखा के तो आया हूं, सिखा के नहीं आया, तो अभी मैं मेरे अतिरिक्त और कोई विष्णु अवतार वो भले धर्म की स्थापना कर ले, अधर्म का नाश कर ले, परंतु ब्रज का प्रेम और कोई विष्णु अवतार नहीं दे सकता। और जो ब्रज का प्रेम है उस प्रेम के बस में मैं हो जाता हूं और वो प्रेम मुझे अति प्रिय है। कोई मुझे महान कह के हाथ जोड़ के मेरी स्तुति करे, वो भले ऐश्वर्य से मेरी पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त कर ही ले, परंतु मुझे बस में नहीं कर सकता और मैं उसके प्रेम से इतना प्रभावित नहीं होता हूं, इसलिए मैं पुनः अब जाऊंगा और ब्रज प्रेम को चार रसों में दास्य सखा वात्सल्य और माधुर्य में दूंगा जाके उसकी माँ वो सबको इन चार रसों के प्रेम को प्रदान करूंगा, दान करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण के मन में संकल्प हुआ तो फिर वो अपने संगी गणों के साथ फिर यहां एक और आज आपको सिद्धांत बता रहे हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिवम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे जन्म को और कर्म को तत्व से जानता है। तो कृष्ण का तत्व क्या है वो हम चेतन महाचरितमृत में पढ़ते हैं। कृष्ण का तत्व क्या है ये सुन लीजिए, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये है वास्तव में श्री कृष्ण का तत्व। तो ये तत्व क्या है, श्री कृष्ण पांच रूपों में प्रकट हुए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के पहले पंच तत्वात्मकम कृष्ण, ये कृष्ण पांच रूपों में आए हैं। क्या है इनके रूप, पंच तत्वात्म कृष्ण भक्त रूप, भक्त रूप में है चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूपम नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतारम अद्वैत आचार्य, और फिर पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ताख्यम जिसको भक्त कहेंगे श्रीवास, भक्त शक्ति कम और जो भक्त की शक्ति है वो गदाधर पंडित। तो ये है पांच तत्व जिसमें एक भगवान श्री कृष्ण इन पांच तत्वों में प्रकट हुए। ये है वास्तव में तत्व, जो इस तत्व से कृष्ण को जानता है कि कृष्ण अकेले कभी नहीं होते हैं, कृष्ण के अंदर सारे ही अवतार समाये हुए हैं, क्योंकि बलराम जी जो नित्यानंद है उसी से सारे विष्णु आते हैं, और जो महाविष्णु है वो सृष्टि करता है, वो अद्वैताचार्य है,
जो गदाधर है अंतरंग शक्ति का अंश है, और जो देवऋषि श्रीनिवास है नारद जी वो जीव तत्व है, और भक्ति इसको जीव वो उसमें हमारे सब गुरुवर ये सब कृष्ण तत्व में आ जाते हैं। तो ये पहले तत्व समझना है। तो अब इस बार भगवान श्री कृष्ण इसमें पांच तत्वों में प्रकट हुए हैं। अब प्रकट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो महाभारत में एक श्लोक में इसकी भविष्यवाणी है कि चैतन्य महाप्रभु के दो जो है अवस्थाएं होंगी और दो प्रकार का उनका लीला होगा। ये महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें इसका जो है भविष्यवाणी मानी जाती है, जिसके ऊपर हमारे आचार्यों ने टीका की है। हे मांगो स्वर्ण वर्णो हे मांगो, वो स्वर्ण वर्ण मतलब सोने जैसे पिघले हुए रंग में आएंगे, और वो जो है चंदन लगा के हरि नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर संन्यास लेंगे, और संन्यास लेने के बाद जो है वो भक्ति की निष्ठा से प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की दो अवस्थाएं हैं, पहले विश्वंभर के नाम से विश्व को भक्ति से भर देते हैं, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से वो कृष्ण के ज्ञान को सब जगह बांटते हैं। तो ये जो विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु का जन्म का नाम है, इसका मतलब विश्व को भक्ति से भर देना। भर विश्व का मतलब संसार, और भर का मतलब भर देना, सारे संसार को भक्ति से भर देते हैं। और फिर दूसरी अवस्था में संन्यास लेते हैं, 24 साल के बाद संन्यास लेते हैं, तो उनका नाम होता है श्री कृष्ण चैतन्य। वो श्री कृष्ण की चेतना को सब तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण चेतना मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस को जगह जगह जाकर पूरे दक्षिण भारत में भ्रमण करके, वृंदावन में भ्रमण करके और प्रचार करते हैं। अब हमारे को जो आपके साथ साझा करने के लिए विषय दिया है वो है चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के लीलाएं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मात्र 8 श्लोकों की शिक्षा, शिक्षा अष्टकम। सो अपने पास 3 दिन हैं, वास्तव में यहाँ की सुबह की क्लासें देनी होती है मंदिर में, लेकिन अब इस बार उनको नहीं दे रहे। आपके साथ पहले जो है ये सत्संग करने का जो है गठन हो गया था। सो अब हम एक और बात भी आपके साथ चैतन्य महाप्रभु के विषय में शेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वैसे लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य है उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत उज्ज्वल रस उसका रस आस्वादन कराना। तो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है, हम एक भजन हमेशा गाते हैं, उज्ज्वल रस सर्व रस सार। जितने भी रस हैं, सखा रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, उसमें उज्ज्वल रस मतलब वो जो माधुर्य रस है वो सार है। और उत्तम हाँ उज्ज्वल रस का मतलब है उन्नत उज्ज्वल रस, इसका मतलब है गोपी प्रेम। ये परम धर्म है, इसी परम धर्म को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जैसे भागवत में कहा गया है ना, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यतो क्षजे, वो जो परम धर्म है उसको प्रैक्टिकल रूप में सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो अब वो उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए आए हैं। तो उन्नत उज्ज्वल रस भागवत में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, उस रासलीला में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को, न पारे अहम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। आपने मेरे लिए लोक लज्जा छोड़ी, लोक धर्म छोड़ा,
सब कुछ छोड़ के आपने अपने आप को मुझे पूर्ण रूप से समर्पण कर लिया। मेरी संतुष्टि आपके जीवन का परम लक्ष्य है और मेरी प्रसन्नता के लिए ही आप सब कुछ करती हैं। मैं आपका कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया, मैं आपके इस ऋण को नहीं चुका सकता हूँ। सो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि गोपियों का ऋण तो मैंने नहीं चुकाया, मैं तो भगवद गीता में कह के आया हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथेव भजामि अहम्। मैं तो सबको कहा है जो मेरे से जैसे व्यवहार करेगा मैं वैसे करूँगा, गोपियों ने जैसे किया वैसे तो मैंने नहीं किया। तो फिर भगवान श्री चैतन्य महा कहा, इस बार मैं जब अवतार लूँगा और उन्नत उज्ज्वल प्रेम का प्रसाद दूंगा और सब जगह लोगों को कृष्ण भक्ति से भर दूंगा और कृष्ण चेतना को विश्व व्यापक रूप में मैं प्रचारित करने का संग जो